मोहम्मद नसीरुद्दीन मल्लेपल्ली का रहने वाला हूँ। आज 2:30 बजे मेरे घर पे आके रहीम के लोग और दो तीन लोग आके चाकुओं से हमला करे। चाकू नीचे गिरने के बाद स्क्रू ड्राइवर से मेरे को बहुत ज़ख्मी कर दिए पीठ की तरफ। अगर मैं साथ वाला अगर वो हाथ नहीं मारता तो वो चाकू से मेरा गला काट देता। तू बोला आज तेरा काम पूरा कर दे रहा हूँ बोल के मारा, मगर इत्तेफाक से वो साथ वाला जो हाथ मार दिया वो चाकू नीचे गिरने के बाद स्कूटर निकाल के मेरे पीठ पे बहुत ज़ख्म कर दिया। ये लड़ाई जो है मेरे घर के बाजू जो है म्यूनसिपल नाम से हटके, इन्हें म्यूनसिपल जो परमिशन दिया उससे हटके मेरी दीवार को टच करके कॉलम्स उठाया और ये हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, मेरी दीवार को डैमेज कर दिया। दीवार पूरी तकरीबन गिराने के करीब आ गई, पानी टपक रहा, बारिश का पूरा मेरा बहुत नुकसान हो रहा। आज आके मेरे को वो एप्लीकेशन क्यों दिया बोल के अंदर घर में घुस के हमला करा और चाकू नीचे गिर गया। अगर नहीं गिरता तो आज बॉडी रहती मेरी। दो आदमी एक लेडीज, जाहिद एक का नाम है, ये असल ओनर जो है रहीम है। ये जो है बहुत बदमाश किस्म का आदमी है। ये जो है उस्मानिया दवाखाना और गांधी हॉस्पिटल में बहुत बड़े बड़े कामा लेके इसको बहुत ज़्यादा बदमाशी के काम करता, बोलना नहीं है मेरे पास। इससे पहले भी पुलिस में मैं 2 फरवरी इसी साल के 2 फरवरी को एप्लीकेशन दिया था कमिश्नर साहब को दिया, DCP साहब को, ACP साहब को, एरिया पुलिस हबीबनगर को। उसके बाद बुलाते बोल के नहीं बुलाए। खैर उनका क्या है, वो अपने को एतराज़ नहीं है। इससे पहले भी हमला हुआ था, दिया था मैं। आज मेरे पे जानलेवा हमला हुआ, स्कूटर से मार के ज़ख्मी कर दिया। चाकू नीचे कि नहीं गिरता वो आदमी, उसके साथ वाला अगर हाथ नहीं मारता, चाकू नीचे गिरता तो मेरा बॉडी मिल जाती, गला काट जाता था पूरा। आज तेरा काम पूरा कर दे रहा हूँ बोल के हाथ उठा के मारने गया, नीचे हाथ लग के उसका गिर गया। हबीबनगर PS में कंप्लेन दे दिया हूँ मैं। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, मेरी जान को धोखा है, कभी भी ये मेरे लिए धोखा है इससे। मेरा नाम मोहम्मद नसीरुद्दीन, मल्लेपल्ली 11-3-801 मकान नंबर।